लॉयंस क्लब यूनिक द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य के तहत मंगलवार को क्लब पदाधिकारियों ने नगर परिषद प्रशासन को 50 फायर बॉल भेंट की। क्लब के संभागीय अध्यक्ष लॉयन गोपाल डानी के नेतृत्व में नगर परिषद पहुंचे क्लब पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त विकास कुमावत से मुलाकात करते हुए भामाशाह लॉयन कृष्णकांत सर्राफ के सहयोग से फायर बॉल भेंट की। इस दौरान कुमावत ने क्लब पदाधिकारियों के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए फायर बॉल भेंट करने के लिए आभार जताया। संभागीय अध्यक्ष गोपाल डानी ने बताया कि नगर परिषद की आग पर काबू पाने के पर्याप्त संसाधनों के अभाव को देखते हुए क्लब ने 50 फायर बॉल भेंट किए हैं। डानी ने बताया कि केमिकल युक्त उक्त फायर बॉल आग के संपर्क में आते ही फट जाता है और उससे निकलने वाले केमिकल से आग बुझ जाती है। इस दौरान क्लब पदाधिकारी पुनीत टवानी, राकेश मोता, हीरालाल गोलेच्छा, राजेश हेड़ा, विकास जैन, विनोद रांका, विनय कावड़िया, भंवर सिंह, राजपुरोहित तथा प्रवीण सिंघल आदि उपस्थित थे। शहर में पिछले दिनों जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई और उनको काबू करने में जो मुश्किल आ रही थी नगर परिषद को, उसको ध्यान में रखते हुए लॉयंस क्लब यूनिक ने हमारे साथी भामाशाह कृष्णकांत जी सिंघल के सहयोग से 50 फायरबॉल आज आयुक्त साहब को भेंट करी, ताकि भविष्य में अगर किसी तरह की कोई आगजनी घटना होती है तो उस पर फायरबॉल के माध्यम से तुरंत काबू पाया जा सके। लॉयंस क्लब यूनिक द्वारा जो है नगर परिषद को फायरबॉल आज उपहार स्वरूप दी गई है, जो शहर की सुरक्षा के लिए सब आगजनी की घटनाओं को देख रहे हैं अपन। अभी भी दो चार दिन पहले भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, तो किसी घटना को तुरंत जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँचे पहले उसको कंट्रोल करने के लिए फायरबॉल्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसा देखते हुए सभी लायंस क्लब के सदस्यों ने ये फायरबॉल्स, जो इसके लिए हम नगर परिषद परिवार की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया।